रूप अलंकार ज्वेलर्स गढ़देवी चौक गढ़वा, सोने चांदी के आभूषणों का उत्तम कलेक्शन। विश्रामपुर के महागठबंधन नेताओं ने प्रदेश में सरकार बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोमवार को महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि अब राज्य का पूर्ण विकास होगा। राजद प्रदेश सचिव नईमुद्दीन अंसारी ने कहा कि लोग भाजपा के कुशासन से मुक्त हो चुके हैं, अब राज्य में आम लोगों की सरकार बन चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को बधाई दी। कहा कि पलामू प्रमंडल से गढ़वा के झामुमो विधायक मिथिलेश ठाकुर को मंत्री बनाया जाना चाहिए ताकि पलामू व गढ़वा का भी समुचित विकास हो सके। मौके पर पार्षद सलीमुद्दीन अंसारी, झामुमो विस प्रभारी प्रवीण सिंह, शमशेर आलम, अनीस अंसारी, श्याम बिहारी विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। सरकार का उसको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और नया सरकार से मैं उम्मीद रखता हूँ कि जनता का जो भी कार्य होगा ये सम्मत होगी। जनता भरी निगाहों से देख रही है सरकार की ओर। आज 5 साल के अंदर में जो जनता को क्रॉस करने काम किया गया है वो सारे लोगों को सरकार पर निगाह टिकी हुई है, जिसमें पारा शिक्षक हैं वगैरह वगैरह जो भी सैया वगैरह हैं, ये सारे लोगों को निगाह टिकी हुई है। सरकार पर एक उम्मीद जगी है। मैं चाहूँगा कि सरकार ये सारी बाधाओं को दूर। नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद विश्रामपुर नईमुद्दीन अंसारी। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।